सो हे गेमर्स, आज हम जाने वाले हैं एक लाइफ स्किल एसएमपी में, जिसमें हम बनने वाले हैं सबसे पावरफुल एंड अमीर प्लेयर। पावरफुल और अमीर बनने के लिए हमको चाहिए बहुत सारे हर्ड्स एंड काफी सारा कैश। तो क्या वीडियो के एंड तक हम अचीव कर पाएंगे काफी सारे हर्ड्स एंड बहुत सारा पैसा? वैसे हमें पावरफुल बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है इस इतने बड़े सर्वर के ओनर, जिसमें हम बहुत सारे बंदों को इस सर्वर के अंदर ट्रोल करने वाले हैं, उनको मारने वाले हैं, उनके हर्ड्स छीनने वाले हैं, उनका सामान लूटने वाले हैं। लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है वीडियो। अब यार, आप लोग बोलोगे कि हमें भी खेलना आपके साथ इस सर्वर में, तो इस सर्वर का नाम है apple.mc.fun, आप भी खेल सकते हो। इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में आईपी एंड पोर्ट देके रखा है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें ओनली जावा वाले प्लेयर्स आ सकते हैं, इसमें सभी प्लेयर्स आ सकते हैं यार। जावा हो गया, बेडरॉक हो गया, क्रेक हो गया, सारे के सारे वर्जन जो भी आप खेलते हो वो आप इसमें खेल सकते हो। तो किसी दिन किस्मत हमारी अच्छी रही तो हम साथ में मिलेंगे, क्योंकि मैं भी तो आता रहता हूँ यार इस सर्वर में खेलने के लिए। खैर यार, हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोसेस इस सर्वर में सबसे ओवर पावर्ड बनने की। तो जैसे ही मैं सर्वर में एंटर होता हूँ, तो मेरे को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, ना तो कॉइन्स दिए, ना ही मनी दिया एंड ना ही रैंक दिया। उसके बाद मैं जाता हूँ उनकी वेबसाइट पे एंड कुछ कॉइन्स खरीद लेता हूँ, जो कि कॉइन्स थे आसपास 2450 कॉइन्स के आसपास थे। देन मेरे पास अब आ चुकी थी छोटी मोटी रैंक एंड 2450 कॉइन्स एंड 4 कीज, जो कि कीज बहुत ही काम आने वाली है इस सर्वर में क्रेट ओपनिंग करने में। क्रेट ओपनिंग करके हम अपना लक आजमा सकते हैं, हमें कुछ भी मिल सकता है, डायमंड का आर्मर या नेदरराइट का आर्मर, कुछ भी जो माइनक्राफ्ट में आइटम्स होते हैं उनमें से कुछ भी मिल सकता है, एंड कुछ ओपी वाली जादुई स्वॉर्ड भी मिल सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉइन्स है, तो कॉइन्स की जाके हम खरीद लेते हैं कुछ कीज। उसके बाद में मैं जाता हूँ एक विलेजर के पास में, जो कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कीज बेच रहा होता है। मजाक कर रहा हूँ, चिल्ला नहीं रहा था। तो वहाँ से मैं खरीदता हूँ कुछ ब्लूबेरीज कीज एंड एक मंथली कीज, क्योंकि इतना ही कॉइन्स थे मेरे पास। तो ये खरीद के मैं चला जाता हूँ सीधा लक आजमाने। कीज खरीद के मैं जाता हूँ सीधा का सीधा क्रेट ओपनिंग करने, और मेरे पास थे अभी 6 ब्लूबेरीज की। तो मैं पहला यूज करता हूँ, मेरे को मिलता है 32 आयरन के ब्लॉक। दूसरा यूज करता हूँ 32 गोल्ड के ब्लॉक। जैसे तीसरा यूज करता हूँ, मेरे को मिलता है एक नेदरराइट की पिकअक्स, जो कि यार काफी कमाल की थी। और जैसे ही मैं चौथा यूज करता हूँ, मेरे को मिलता है डायमंड के बूट्स, ब्लूबेरी बूट्स। भाई काफी मेंडिंग प्रोटेक्शन लगा था इन पे भाई। और एक और बार यूज करता हूँ, मेरे को मिलता है एक और पिकअक्स, जो कि नेदरराइट का। एंड अगेन यूज करता हूँ, मेरे को मिलते हैं 16 डायमंड के ब्लॉक। भाई अमीर हो चुका था लिटरली मैं अभी। और देखो चारों तरफ लोग आके रखे, तो मैंने सोचा चलो एक मंथली कीज भी यूज करके देख लेते हैं क्या मिलता है। तो मैं मंथली कीज यूज करने के देख रहा था कि चलो कहाँ यूज की जाती है। उसके बाद मंथली कीज यूज करने के लिए तो जगह मिली नहीं मेरे को, तो मैंने सोचा चलो यार पार्टी कीज यूज कर ली जाए, क्योंकि इनसे कुछ मेरे को और मिल सकता है। तो पार्टी कीज यूज की एंड कुछ आइटम और मिला, और पार्टी कीज यूज करने के बाद मेरे को एक दो कीज और मिल गई, क्योंकि वहां ऑप्शन होता है अगर आप पार्टी कीज यूज करोगे तो कुछ और कीज मिलेगी आपको। उसके बाद में जो मेरे को कीज मिली थी उनका फिर से मैंने क्रेट ओपनिंग की एंड फिर से मेरे को थोड़ा बहुत सामान मिला, और फिर से वो सारा सामान कलेक्ट किया। उसके बाद में बारी थी एक मंथली कीज यूज करने की, जो कि मेरे पास एक ही थी। तो मैं जैसे ही मंथली कीज यूज करता हूँ, मेरे पास काफी सारे वैसे प्लेयर्स आके वे ऑलरेडी खड़े थे, और मैं जैसे ही मंथली कीज यूज करता हूँ, मेरे को मिलता है एक नेदरराइट का हेलमेट, जो कि यार काफी कमाल का था, काफी ओवर पावर था। देखो सच में यार, मंथली एक मंथली की से मेरे को मिला नेदरराइट का पूरा एक हेलमेट, जो कि काफ़ी मजबूत, काफ़ी लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और ये चीज़ें मंथली कीज यूज करने पर ये चीज़ें मिल सकती थी, पर कोई बात नहीं, हमको हेलमेट मिला, अच्छा है। अब वैसे मेरी रैंक ऊपर ही ऊपर दिखने लगी थी, तो कुछ प्लेयर्स आते हैं मेरे पास एंड कुछ सामान दे देते हैं। आई थिंक ये डायमंड का चेस्ट प्लेट भी उन्हीं लोगों ने दिया था, एंड कुछ और सामान, छोटे मोटे सामान देते हैं, ज़्यादा खतरनाक वाले नहीं, ज़्यादा ओपी वाले नहीं, पर छोटे मोटे सामान दे देते हैं मेरे को। एंड मैं चैट में लिख रहा था कि आई नीड हर्ट, तो कुछ लोग बोल रहे थे ठीक है मेरे से ले लो। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, सबसे लेंगे, पर पहले इनसे कुछ लुटेंगे, मतलब आई थिंक कुछ देंगे इनको। फिर मैंने डायमंड्स के जो ब्लॉक्स थे उनका बनाया डायमंड एंड कुछ डायमंड बांट दिए। देन फिर मैंने लिखा कि आई नीड सम हर्ट्स। उसके बाद में काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे से ले लो, पर उन पे मेरे को ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि भैया पता नहीं कौन कहाँ बुला के मेरा हर्ट छीन सकता है। वैसे डायमंड्स बढ़ते थे, काफ़ी सारे प्लेयर्स मेरे पास आ चुके थे एंड मैंने सबको एक एक दो दो डायमंड्स बांट दिए थे, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे हर्ट्स ले सकता हूँ बाद में, तो मैंने इसी लालच में उनको डायमंड्स बांट दिए। अब डायमंड्स बांटने के कुछ देर बाद में एक इंडियन बंदा बोलता है कि भैया आप मेरे से हर्ट ले लो। अब मेरे को भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भैया इसमें मैंने सुना है कि आप गलती से स्कैम में फंस सकते हो और आपके हर्ट्स जा भी सकते हैं। और हाँ, इस बीच मैंने कुछ कॉइन्स ऐड कर लिए थे यार अपने अकाउंट में, क्योंकि यार मेरे को लगा कि यार थोड़े कम कॉइन है तो और कॉइन ऐड कर लेते हैं थोड़े से। मैंने कीज लेने के लिए सोचा था, बाद में सोचा कि नहीं अभी कीज नहीं लेना है, बाद में इनको काम मिलेंगे। अब मेरे पास कॉइन्स आ चुके थे, थोड़ी सी रैंक भी हो चुकी थी, अब मेरे को चाहिए थे कुछ पैसे मनी, जो कि मैं लूंगा वोट करके। आप यहाँ पे वोट भी कर सकते हो, यहाँ पे आना आपको एंड इस वोट वाले बंदे पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे 5 साइड्स मिलेगी। आप पांचों साइड्स पे अलग अलग बार जाके हर बार 5 वोट कर सकते हो एक दिन में, और वहाँ से आप एक बार वोट करने में आपको $300 मिलेंगे एंड एक कीज भी मिलेगी, वोट कीज, जिससे कि आप अपना लक आजमा सकते हो। तो मैंने एक साइड पे वोट किया एंड मेरे को एक की मिली एंड $300 भी मिले यार। आप पांचों साइड्स पे कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास $300 हो चुके थे, क्योंकि मैंने एक साइड पे वोट करके आया। और हाँ,
$300 से वैसे कुछ नहीं होने वाला था, मेरे को चाहिए था कम से कम $2-4 लाख, और वो मैं वीडियो के एंड तक कर ही लूंगा जैसे तैसे करके। अब उसके कुछ देर बाद मेरे को पता चला कि यहाँ हमारे एक्स्ट्रा सामान को बेच भी सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं, और वो हमारी अनुसार, लाइक हम $5,000 लगा सकते हैं, $10,000 लगा सकते हैं, वो हमारे अनुसार है। तो मैं गया सीधा शॉप में, एंड मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सामान थे जो कि था, एक तो मेरे पास 2 बूट्स हो चुके थे डायमंड्स के, तो मैंने सोचा एक को बेच देंगे, तो मैंने सेल कर दिया $5,000 में। एंड मैंने सोचा कि चलो सेल कर देते हैं, पहले तो सबसे पहले सेल किया मैंने एक पिकक्स जो कि नेदरराइट का था, मेरे पास 2 नेदरराइट के पिकक्स थे, तो मैंने एक नेदरराइट का पिकक्स, अब पता नहीं कोई खरीदे या नहीं खरीदेगा, पर मैंने सेल कर दिया। एंड उसके बाद में डायमंड्स के बूट्स भी मैंने एक एक्स्ट्रा थे वो भी मैंने सेल कर दिए, और हाँ मेरे पास कुछ गोल्ड भी था, वो भी शायद मैंने $10,000 में सेल किया था वहाँ पे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो कि एक्स्ट्रा थी वहाँ पे मैंने शॉप में सेल कर दिया। अब जो भी कोई बंदा इनको लेगा मेरे पास सीधे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और हाँ मेरे को याद आया कि मेरे पास एक मनी सेजल भी था। मनी सेजल क्या होता है, मनी सेजल जब हम कीज यूज कर रहे होते हैं तो उनमें एक कहीं ना कहीं पे हमें मिलता है क्रेट में मनी सेजल, हमारे लक पे डिपेंड करता है, $20,000 का, तो मैंने वो यूज करके मेरे अकाउंट में $20,000 तो सबसे पहले डाले, और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा फील आने, अंदर से फील आने लगा कि हाँ थोड़ा सा मैं अमीर बन चुका हूँ, हल्का सा। $20,000 ज़्यादा नहीं होता, कम से कम $2-3 लाख तो यहाँ पे करके जाने ही है मेरे को, मेरा गोल वही है, और कम से कम 50 हर्ट्ज़ करके जाने मेरे को यहाँ से, उसके बाद में मैं बन पाऊंगा इस SMP का सबसे पावरफुल पर्सन, और कितना खतरनाक आर्मर बनाना मेरे को, बहुत ही खतरनाक वाला जो कि मेरे को कोई छू भी ना सके। अब ऐसा मेरी रैंक भी ऊपर हो चुकी थी, मतलब मेरा नाम ऊपर ही ऊपर आने लगा था, और उसके बाद में पता नहीं लोग मेरे को क्यों दानवीर समझ बैठे, लोग मेरे पास आके कुछ मांगने लगे, गेम में सम आइटम। भाई मेरे पास तो मैं खुद गरीब बैठा था, मैं खुद गरीब था अभी तक तो मैं खुद गरीब था, और उसके बाद में लोग आके मांगने लगे। अब तो मैं कहा चलो भाई मांग रहे हैं तो कुछ आयरन दे देते हैं, किसी को मैंने कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, जो मेरे पास एक्स्ट्रा सामान था मैंने वैसे ही बांट दिया लोगों को, यहाँ तक कि मैंने कुछ डायमंड्स भी बांट दिए थे, बिकॉज यार मेरे को हर्ट्स चाहिए थे उन्हीं लोगों से, अगर मैं किसी को हर्ट्स के लिए बोलूंगा तो वो शायद से मेरे को दे पाते फिर बाद में, मैं कोई इसका आइडिया नहीं है वो देंगे या नहीं देंगे, पर मैंने उसको बांट दिए थे उस टाइम पर डायमंड्स, कुछ लोगों को डायमंड्स भी बांट दिए थे मैंने। और उसके कुछ देर बाद में मेरे को पता चला कि मेरे अकाउंट में $10,000 और बढ़ चुके हैं, मेरे जो गोल्ड के ब्लॉक थे वो खरीद लिए, क्योंकि $10,000 में तो मैंने शायद गोल्ड के ब्लॉक ही लगाए थे, तो वो शायद किसी ने खरीद लिया, इस वजह से मेरे अकाउंट में $10,000 और क्रेडिट हो गया, मतलब समझ रहे हो तुम्हारे भाई के पास $30,000 आ गए हैं। अब समय आ चुका था मेन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने का, तो मैं सीधा टेलीपोर्ट होता हूँ मेन वर्ल्ड में, RTP वर्ल्ड लिख के मैं सीधा टेलीपोर्ट हो जाता हूँ मेन वर्ल्ड में। अब मेन वर्ल्ड में जाने के बाद मेरे को काफ़ी सारा सामान लेना था, काफ़ी सारा बनाना था, क्योंकि यार मेरे पास ना क्राफ्टिंग टेबल थी ना ही कुछ टूल्स थे, तो वहाँ से मैं जरूरी सामान बना लेता हूँ, क्योंकि जो मेरे को सामान चाहिए था क्राफ्टिंग टेबल एंड कुछ टूल्स भी थे, पिकक्स हो गया, सोर्ड हो गया, मेरे पास नहीं थे अभी तक भी, तो मैं जल्दी जल्दी वो सारा बना लेता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे पास खाना नहीं था यार, तो खाने के लिए मैं इधर उधर भटकता हूँ, जो मिलता है उसको मार लेता हूँ, और खाना भी कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ मैं एक फर्नेस बना के, उसमें से कोयले की जगह वुड का यूज़ करके खाना पका के खाने लगता हूँ। अब मेरे को जरूरत थी हर्ट्स की, तो फिर से मैं सीधा आया वापस लॉबी में, एंड वहाँ से मैंने कुछ जो कॉइन्स बचे थे मेरे पास उनका मैंने खरीद लिया कुछ कीज, एंड उनको मैं अप्लाई किया, मतलब ब्लूबेरी कीज खरीदा एंड उनको अप्लाई करने के लिए निकल गया वहाँ पे क्रेट ओपनिंग के पास में। एंड जैसे ही मैं अप्लाई किया, देखो क्या मिलता है, आप खुद देखना भाई, कसम से इतना खतरनाक चीज़ मिलता है ना, मज़ा आ जाएगा यार आपको देखें। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे पहला वाला कीज यूज करता हूँ तो मेरे को मिलता है इलाइट्रा, भाई इलाइट्रा मिला मेरे को, नहीं पहला वाला से नहीं मिला, दूसरे वाले से इलाइट्रा मिला था मेरे को, भाई इलाइट्रा का सबसे। और जैसे ही मैं तीसरा वाला यूज करता हूँ मेरे को मिलता है नेदरराइट का सोर्ड, भाई कसम से मजा आ गया, फायर एस्पेक्ट लूटिंग नोक पे भाई सब कुछ लगा था उस पे, मजा आ गया सच में यार। और ये सब देख के अब मेरे को थोड़ा और एक्स्ट्रा मेरे को अमीर फीलिंग आने लगी थी कि हाँ अब मेरे पास इलाइट्रा है, मैं उड़ सकता हूँ, वो अलग बात है कि उड़ने के लिए कुछ ना है नहीं मेरे पास। अब मेरे पास बचा था एक और की, तो मैं उसको भी यूज करना चाहता था, मैं कहा इसको भी यूज कर ही लेते हैं कहीं पे, तो इसको मैं यूज करने के लिए गया, एंड मेरे को क्या मिलता है आप देखो, भाई एक सोर्ड मिलती है ओपी वाली, जिसको कि लाइट से बैर ऐसा कुछ बोलते हैं, भाई ये इतनी खतरनाक है ना, इससे स्पीड बूस्ट होती है 1.25 गुना, मतलब 1.25 के हिसाब से भागने लगता है, और इससे स्ट्रेंथ का पोशन भी था मेरे से, और रेजिस्टेंस का पोशन भी मिल जाता है, रीजनरेशन का पोशन भी मिल जाता है, मतलब भाई क्या क्या मिलता है इससे, ये इसको जैसे ही हम हाथ में लेते हैं तो ये सारी की सारी एबिलिटीज आने लगती है हमारे अंदर, कसम से ये वाली सोर्ड ओपी है यार, मतलब इस बात तुम्हारे भाई का लक कुछ ज़्यादा ही काम कर गया था। अब मेरे को सबसे ज़्यादा जरूरत थी हर्ट्स की, जिससे कि मैं मोस्ट पावरफुल इंसान बन पाऊँ, मेरे पास काफ़ी सारी लूट हो चुकी थी, रैंक भी अच्छी हो चुकी थी, पैसा भी थोड़ा बहुत आ चुका था, तो हर्ट्स की जरूरत थी, उसके लिए मैं जाता हूँ सीधा वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। और वह देख रहा हूँ सामने, आप देख रहे हो ना, ये ट्रेप है भाई, इसमें कोई बंदा TP रिक्वेस्ट भेज सकता है, लाइक जैसे दो बंदे हैं, तुम हो और मैं हूँ, और आपने मेरे को TP रिक्वेस्ट भेजी है तो मेरे पास आप TP हो सकते हो, मैंने आपको TP रिक्वेस्ट भेजी है तो मैं आपके पास TP हो सकता हूँ। तो इसमें बंदे क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, TP रिक्वेस्ट किसी की भी, कोई भी एक नॉर्मल बंदा आएगा उसको TP रिक्वेस्ट भेज देगा, जैसे मैं आया, मैं पहली बार आया हूँ, मैं TP रिक्वेस्ट आपको भेज दिया हूँ, तो आप क्या करोगे, हाइट पे चले जाओगे, और हाइट पे जाके जैसे ही मैं वहाँ टीपे होऊंगा तो मेरे को नीचे गिरा दोगे, और उससे आपके पास एक हर्ट आ जाएगा यार, मतलब काफ़ी क्रेजी क्रेजी चीज़ें होती है यार इस सर्वर में।
अब ये सब चल ही रहा था कि मैंने सोचा खास यार इस सर्वर का ओनर हमारे पास आता और हमें कुछ दे देता, क्योंकि मेरे पास खाना नहीं है, पेट खाली पड़ा है, वैसे बहुत कम खाना था। इतने में ही हमारे सर्वर के ओनर आ जाते हैं भैया। अब मैंने कहा कि अब साक्षात हमारे पास ओनर खड़े इतने बड़े सर्वर के, तो कुछ मांग ही लेते हैं। तो मैंने कहा कि नीड फूड्स भैया, फूड चाहिए हमको, हमारा पेट खाली हो रहा है। तो उन्होंने इतना फूड दिया कि मेरे जैसे 5-10 बंदे और होते ना तो उनका पेट भी भर जाता। सच में बहुत सारा लिटरली उन्होंने खाना दिया, स्टेक के स्टेक्स खाने के दिए मेरे को। फिर मेरे को वैसे लालच तो नहीं करना चाहिए था मैं, पर यहाँ पिघल गया क्योंकि यार साक्षात ओनर जो खड़े थे मेरे सामने, मैंने कहा कुछ कीज भी दे दे तो काम हो जाता यार, थोड़े से 2-4 कीज दे देते दे। तो फिर उन्होंने 5 कीज निकाली इन्वेंट्री में एंड 5 कीज मेरी तरफ फेंक दिए। तो मैंने उठा लिया, मैंने सोचा कि चलो अब हमारा काम हो गया, पर पता नहीं फिर से उन्होंने ऊपर मुंह किया एंड 5 कीज और दे दिए। मतलब मेरे पास 10 कीज हो चुके टोटल, मंथली 10 कीज हो चुके थे भाई। समझ लो कि अब तो हम मालामाल होने वाले हैं। अब मैं तो एकदम चिल था कि भैया ठीक है हमको खाना मिल गया, 10 मंथली कीज मिल गई, क्या ही चाहिए और चिल मारो। उतने में ही भैया उन्होंने इतने सारे मॉब्स छोड़े भैया, कीड़े मकड़ी पता क्या 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 छोड़े उन्होंने, इतने सारे मॉब्स छोड़े ना, मतलब मैं तो उनसे फाइट करता रहा। और मॉब्स तक तो ठीक था भाई, उन्होंने आग लगा दी। खैर कोई ना, सच में काफी क्रेजी चीजें हो रही थी, ये सब करने में काफी मजा आ रहा था। उतने टाइम में हमारे जो सर्वर के ओनर थे वो वहां से चले गए थे। अब लोबी में जाके सबसे पहले तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा सामान था वो बांटना मैंने शुरू किया, बिकॉज यार मेरे पास बहुत सारा सामान था। मैं सोचा कहाँ रखूँ, तो मैंने सोचा चलो कुछ बांट देते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे तो मेरे को हर्ट्स भी दे सकते हैं बाद में। तो मैंने जितना उन्होंने खाना दिया था, बहुत सारा खाना दिया था, तो मैं कुछ बांट दिया। और सच में ये सब करने में काफी मजा आ रहा था, लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे भाई। उनको लग रहा था कि एकदम फ्री में खाना बांट रहा, चलो इसके पीछे भागते। भाई काफी सारे लोग हो गए थे जो कि हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, सच में काफी मजा आ रहा था यार। आप होते तो सच में और भी ज्यादा मजा आता। और आखिर में कुछ फूड बचा जो कि मेरे लिए बचा था, मैंने कहा कि भैया बस इतना ही बांटेंगे, ज्यादा नहीं इससे ज्यादा। और उसके बाद में मैंने बारी बारी से मंथली कीज ओपन की, जो कि उन्होंने 10 दी थी अभी ओनर ने, हमारे सर्वर के ओनर ने 10 कीज दी थी, उनको मैंने बारी बारी से ओपन किया। और वहां से मेरे को लिटरली बहुत सारा ओपी आइटम्स मिल गए थे। मेरे पास 3-3 जादुई सोड मिली भाई, कसम से इतनी खतरनाक सोड थी ना वो, उनको अगर मैं $1,00,000 में भी सेल करूंगा तो उनको ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, वो सारा का सारा सामान क्लिक कर लिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार सेल कर देते हैं उनको, क्योंकि यार अभी मेरे पास एक जादुई सोड होती इनफ है यार वैसे। तो मैं गया सीधा शॉप में और वहां उन सोड्स को $1,00,000 में सेल कर दिया, लाइक एक शॉप में डाल दिया। और भाई सच में मेरे को लगा था कि यार कोई नहीं लेगा, पर हाँ उनको ले लेते हैं यार। और हाँ वैसे कुछ देर हो चुकी थी अब, और जो मैंने सोड सेल की थी वो भी बिक चुकी थी, सेल हो चुकी थी, किसी ने खरीद लिया था दोनों सोड को $1,00,000 देके। और मेरे पास अभी हो चुके थे $2,62,000, मतलब $2,62,000 हो चुके थे। कुछ सामान और भी जो मैंने कुछ टाइम पहले बेचा था उनको भी किसी ने खरीद लिया था, तो अभी मेरे पास काफ़ी सारा पैसा हो चुका था। अब मेरे को चाहिए थे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हर्ट्स की, जो कि मेरे को ओवर पावर बनाने में हेल्प करेंगे। तो अब मेरे को टीपी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी थी लोगों की, जो कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आके रखी थी। तो मैंने कहा आई नीड हर्ट्स, तो काफ़ी सारे लोग तो बोल रहे भैया मेरे पास आओ। तो मेरे को वैसे भरोसा नहीं था। उत्तर टाइम में मेरे को एक रिक्वेस्ट आई, तो मैंने वो एक्सेप्ट की। एंड वहाँ पे आता है अप डाउन ऐसा नाम का कुछ बंदा आता है, उसको मैंने बोला कि मार दूँ क्या, मतलब मैं तेरे को किल कर दूँगा। तो उसने कहा ठीक है मार दो, यू डाउन नाम का बंदा था। हाँ यू डाउन नाम का बंदा आया और उसको मैंने मारा, उससे मेरे को पहला हर्ट मिला। और उसके बाद में अगेन वो बंदा आता है, एक और हर्ट देता है, मतलब काफ़ी अच्छा बंदा था, आई थिंक जानता होगा या फिर पता नहीं क्या कौन था, पर थैंक यू यार उस बंदे का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मेरे पास एक और बंदा आता है जिसका नाम था डेविल बॉय, और डेविल बॉय ने मेरे को एक हर्ट दिया। और हाँ मैं उन बंदों को ओनली मार रहा था, अगर वो चाहेंगे तो मेरे पास सामान लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैं उनका सामान नहीं लूटूंगा, मेरे को वो हर्ट्स दे रहे हैं वही बहुत है भाई। और मेरे पास जो ओपी वाली सोड थी ना वो जादुई सोड, कसम से एक ही में मर जाता, एक हिट में ही मर रहा था बंदा। उसके बाद मैं कुछ बंदों की मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा था, और हाँ मैं ये भी देख रहा था कि किस बंदे के हर्ट्स ज़्यादा हैं। अगर किसी बंदे के ज़्यादा हर्ट्स होते तो मैं उसको टीपी नहीं करता मेरे पास, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल बेटा ऑलरेडी, तो मेरे को आके मार देगा। तो जिस बंदे के हार्ट्स 10-15 थे तो उसको मैं मेरे पास टीपी करता एंड उसको मार के उसके हार्ट्स ले लेता, क्योंकि यार टीपी रिक्वेस्ट भेज रहा है, मैंने तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि आई नीड हर्ट। तो मतलब वो उनकी सहमति से मेरे पास टीपी हो रहा है, अपनी सहमति से टीपी हो रहे हैं और मेरे को हर्ट्स देके जा रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जिन्होंने मेरे को हार्ट्स दिया। पर ये खेल यही खत्म नहीं होना था, अब आता सबसे खतरनाक सीन। मैं जल्दबाजी में एक ऐसे बंदे को टीपी कर बैठता हूँ जिसके हार्ट्स मेरे से 5 गुना एक्स्ट्रा थे, मतलब उसके हार्ट 50 या 60 के लगभग थे और मेरे थे 10 या 15 हार्ट्स थे। अब जैसे ही वो बंदा टीपी हुआ मेरे पास, तो मैं समझ गया था कि ये ओवर पावर्ड बंदा है, ऐसे का बहुत ही खतरनाक। नेदरराइट का आर्मर, फुल्ली नेदरराइट आर्मर और इंचांटेड शील्ड और भी बहुत सारी चीज़ें उसके पास थी, तो मैं ये देख के भागने लगा वहां से। और अब देखो अब क्या होता है,
मैं समझ गया था कि अब मैं इससे नहीं जीतने वाला, तो मैं एक जगह पर रुक के इसको लिखने वाला था कि डोंट किल, एंड इतने डर में तो उसने मेरे को मार दिया। और क्या ही कर सकता था उसने भाई, स्लोनेस के एरो क्या क्या नहीं फेंके मेरे ऊपर, और सच में यार ओवर पावर था तो इसलिए उसने मार दिया। अब मैं काफ़ी सैड था कि यार उसने मेरे को मार दिया एंड मेरा सामान भी चला गया, अब मैं क्या करूँ। फिर से मैंने उसको टीपी रिक्वेस्ट भेजी और लिटरली यार बंदे ने टीपी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। अब मैं सीधा उसके पास गया, टीपी रिक्वेस्ट भेजा एंड उसने एक्सेप्ट की, उसने अपने पास बुलाया एंड मैंने कहा कि भैया सामान चाहिए मेरे को मेरा। उसने मेरे को सामान दिया भाई सारा का सारा, जो भी सामान उसने लूटा था, आई मीन जो भी सामान मेरा था उसने सारा का सारा सामान दिया एंड अपने से भी काफी सारा सामान दिया। तो उत्तम दिए उसने, उसने मेरे को नेदरराइट का आर्मर दिया जो कि मेरे पास नहीं था भाई, मतलब सच में यार काफी अच्छा बंदा था। और हाँ फिर मैंने उससे पूछा कि कैन यू हेल्प मी, मैं वीडियो बना रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो फिर उसने अपने दोस्त को और बुलाया, उसका नाम था मिचेल्स। अब आई डोंट नो उन्होंने क्या बात किया क्या नहीं की, पर वो लोग मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। और वैसे मेरे 50 हर्ट्स करने में काफी ज्यादा रोल है मिचेल्स का एंड फिजू का, इन दोनों का थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा मैं अगेन, बिकॉज यार इन लोगों ने मेरे को वीडियो बनाने में काफी ज्यादा हेल्प की। अब मेरे पास जिनके भी टीपी रिक्वेस्ट आ रहे थे मैं उनको टीपी कर रहा था मेरे पास में, बिकॉज यार मेरे पास इस सर्वर के दो सबसे पावरफुल इंसान मेरे साथ थे एंड अभी मैं भी बनने वाला था पावरफुल, एंड जिस बंदे को मेरे पास मैं टीपी करता उसका मैं हर्ट लेता आराम से इजीली। इन्होंने मेरे को गोल्डन एप्पल, एंडर पल्स, एंचेंटेड एप्पल्स, टोटम, बहुत सारी चीजें दी एंड काफी ज्यादा बहुत ज्यादा यार अच्छे बंदे थे ये लोग। हम लोगों ने बंदों को बुला बुला के टीपी कर करके इतने लोगों को मारा ना, सच में पूरे सर्वर में तबाही मच गई थी और सब लोग अब डर रहे थे, मतलब बहुत कम लोग टीपी रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि अब वहां जाके मरना ही पड़ेगा। जो लोग अपने मन से टीपी रिक्वेस्ट भेज रहे थे उनको पता था कि मैं हर्ट्स लेने वाला हूं, तो उनको मैं किल करके इजीली उनका हर्ट्स लेता और सामान उनका लौटा देता अगर अगेन मेरे पास कोई बंदा टीपी होता तो। एंड अभी तक मेरे ऑलमोस्ट 20 प्लस हर्ट्स हो चुके थे, अब मेरे को चाहिए थे 30 हर्ट्स और कम से कम। और हाँ यार आप भी आ जाओ यार इस सर्वर पे, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आईपी एंड पोर्ट देके रखा है apple.mc.fun, काफी मजा आता है यार इस सर्वर में। अब आता है वो पल जिसकी मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, सच में बिल्कुल भी, दूर दूर तक मैं कभी नहीं सोचा था इसके बारे में। अब देखो मिचेल्स आता है मेरे को बोलता है कि आप मेरे हर्ट्स ले लो, मतलब वो बोल रहा था कि आप मेरे को मारो एंड मेरे हर्ट्स ले लो सच में। और उसके साथ जो फीजू था वो बोल रहा था कि इसको किल करके इसके हर्ट्स ले लो, ये आपको हर्ट्स दे देगा, आपको जितने हर्ट्स चाहिए उतने दे देगा, क्योंकि उसके पास 60 प्लस हर्ट्स थे। तो मैं सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है, जो बंदा कुछ देर पहले मेरे से पीवीपी करके मेरे को हराया वो बंदा मेरे को हर्ट्स देने के लिए तैयार हुआ। सच में अगेन उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मेरे को हर्ट दिया यार। बाद में यार मिचेल्स को मैं मारता गया, हर्ट्स लेता गया, मारता गया, हर्ट्स लेता गया, और उन लोगों को बिल्कुल भी इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं उनका हर्ट्स ले रहा हूँ, क्योंकि वो लोग पता नहीं क्यों ऐसा मान गए थे कि मैं उनका हर्ट्स ले सकता हूँ, पावरफुल बन सकता हूँ इस असेंबली का सबसे पावरफुल, और कसम से काफी अच्छे बंदे थे। और फिर क्या हुआ, मिचेल्स के कुछ हर्ट्स कम हुए तो वो दूसरी आईडी से आया एंड दूसरी आईडी से कम से कम 5-6 हर्ट्स दिया मेरे को। फिर मेरे 50 हर्ट्स होते मैंने बोला कि यार नहीं इनफ है, बस हो गए मेरे 50 हर्ट्स, मेरा गोल यही था। तो उन्होंने कहा नहीं आप और ले लो, तो फिर उन्होंने 3-4 हर्ट्स और दे दिए। सच में मजा आ गया यार खेल के, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, काफी मजा आया। और वैसे अभी हम बन चुके हैं वैसे पावरफुल, क्योंकि हमारे पास 50 प्लस हर्ट्स है और पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर है, काफी अच्छे अच्छे टूल्स है, पावरफुल स्वॉर्ड है एंड हमारे पास टोटम है, बहुत कुछ है इस एसएमपी में, तो अभी हमको कोई भी नहीं मार सकता और रैंक सबसे ऊपर हमारा नाम आता है। तो फाइनली हमारा गोल पूरा हो गया 50 प्लस हर्ट्स का एंड पावरफुल बनने का, और हमारे पास अभी 2-2.5 लाख, मतलब हाँ 2,50,000 से ज्यादा हमारे पास डॉलर है, हमारे रैंक भी काफी ऊपर है, तो हम अभी बन चुके इस एसएमपी के मोस्ट पावरफुल इंसान, रिचेस्ट भी मान सकते हैं, मतलब अमीर भी हैं थोड़े बहुत। और हाँ सर्वर में भी आ जाया करो यार कभी कभी, मैं भी मिल जाता हूँ आप पे, आईपी एंड पोर्ट डिस्क्रिप्शन में देके रखा है।